लोगों से शेयर करूँ किशन जी के झूले के बनाने का ट्यूटोरियल, तो कैसे बनाया पूरा व्लॉग एंड तक जरूर देखें। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट गाइस। तो आज हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं कृष्ण जी का झूला। तो मेरे पास ये स्टिक ऐसे पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको यूज में लेते हैं और झूला बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो मेरे पास ऐसे ये दो गमले थे क्योंकि इन्हें सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको जो है इस तरीके से टेपिंग से स्टिक कर देते हैं और स्टिक करके मैं आपको मिलती हूँ। अब मैं इसको इस तरीके से टेपिंग कर रही हूँ, अच्छे से टेपिंग कर लेना है। तो गाइस, अभी मैंने एक चीज़ में चेंज करा है, ये वाला जो मैंने लिया था इसमें ना साइड से ये आ रहा है, तो ये ना बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बैठ रहा है, तो मैंने चेंज कर दिया। तो उसमें मैं ये वाले यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये ईजिली सही से चिपक के आएगा। जैसे आप देख रहे हो, अब आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं ये वाले लगाऊंगी, तो उन्हें फटाफट से लगाते हैं बिकॉज टाइम बहुत कम है हम पे। सी गाइस, तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से हो चुका है। अब हमें करना है इसको पूरा डेकोरेट, तो हम फटाफट से इसे डेकोरेट करते हैं। एंड मैं आपको दिखाती हूँ जो पेपर डेकोरेशन मटेरियल है वो उसका क्या है। लेट मी शो यू। मैं इससे ये वाली जो लेस है इस लेस से डेकोरेट करूँगी प्रॉपर पूरा। सी गाइस, तो एक साइड हो गई है कंप्लीट और अब मैं इसको यहाँ से स्टिक कर लेती हूँ। आई सी, तो अभी ये इतना ऐसे रेडी हो चुका है और अब हम यहाँ पे फ्लावर्स लगाएंगे। तो ये मैं पूरा पैकेट लेकर के आई हूँ, तो अब ये पूरे फ्लावर्स हम इस पर लगाते हैं फटाफट से। अभी आप देख सकते हो ये हमारा थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से आया है। ये पीछे जो बैकग्राउंड जितना भी आप इसको इग्नोर आउट करना, और ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बताना अभी कैसा लग रहा है। बाकी मैं अभी और अभी काम कर रही हूँ इस पर, पूरा सब कुछ प्रॉपर अच्छे से करके दिखाती हूँ आप लोगों को। गाइज, अभी जो मैं काम कर रही हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। आप सोचो, ये पूरी मैंने लट बनाई है मोतियों की, आप देख सकते हो, और जिससे झूला झूलने वाला वो साइड की रोप वो बनेगी। तो अभी मैं पूरा फटाफट से करके आपको दिखाती हूँ। इसको एक एक करके ना इसे सुई में डालना होता है, और इतने डालने पे ना एक एक तो सुई कभी कभी चुभ भी जाती है हाथों पे। बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ पे रेड रेड हो रहा है, आप देख सकते हो, बट कोई बात नहीं, शायद जब बन के आएगा तो प्यारा लगेगा। वेल, हाथ से कितना भी आप अपना बनाओ उसकी एक बात अलग ही होती है। तो इसको बनाते बनाते मुझे थोड़ा टाइम तो लगा है, बट इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बट आई कैन डू इट, मुझे करना तो है ये। और आप भी इजली इसे घर पे कर सकते हो अगर आप अपने करना चाहते हो, तो थोड़ा क्रिएटिविटी भी लगेगी और थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि हाँ, आपने अपने कान्हा बहू के लिए, कान्हा जी के लिए खुद से कुछ ऐसा बनाया है। तो मेरी एक साइड की ये तैयार हो चुकी है, मैं दूसरी साइड की तैयार करने जा रही हूँ। और आज मुझे डियोर ने बहुत डिस्टर्ब करा है, बहुत ज़्यादा, कुछ भी काम नहीं करने दे रहा है ये मुझे ठीक से, बट कोई बात नहीं। बस अच्छा लगना चाहिए पूरा कंप्लीट होने के बाद, बिकॉज इसमें बहुत मेहनत लगी है। ये देखो आप, तो टाइट हो गया था थोड़ा। हम्म,
सी। तो एक पूरी माला बन के रेडी हो गई है, और इसको हम कुछ कैसे लगाते हैं अभी आपको मैं पूरा दिखाती हूँ। गाइस तो ये कपड़ा लेके आई थी मैं, और एक मेरे पास ये बॉक्स है। अब मैं इस बॉक्स पर कृष्ण जी का झूला बनाऊंगी, वैसे मतलब वो वाला। तो अब मैं इसको जो हूँ पूरा कवर्ड कर देती हूँ इस कपड़े से, कुछ इस तरीके से आएगा आफ्टर कवर। ये अभी बन के आया है कुछ इस तरीके से, और ये पूरा मैंने मोतियों से बनाया है। अब ये लेस लेकर के आई थी मैं, तो अब मैं ये चारों तरफ ये लेस लगाऊंगी। इसको लगाते हैं फटाफट से, और फिर अपना झूले को जल्दी जल्दी रेडी करते हैं। गाइस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और अभी आपको मैं पूरा फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ बस ज़रा सी देर में। अभी मेरे हालातों पे बिल्कुल मत जाना, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो चुकी हूँ। और ये मैंने मैक्स 1 आवर में बना लिया है। अगर आप प्रॉपर टाइम देके बनाओगे तो हो जाएगा। मैंने बिल्कुल एंड टाइम पे बनाया है, बट मुझे ये वर्थ इट लग रहा है, बहुत मेहनत से बनाया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूरा फाइनल लुक इसका। ये इतना तो पूरा रेडी हो चुका है, मैं थोड़े साइड साइड के लिए बना रही हूँ, ताकि ये ऐसे साइड साइड से लटकाऊँ तो काफ़ी अच्छा लगे। तो मैं फटाफट से इन्हें पूरा ऐसे फिर से भर रही हूँ। गाइस सबसे डिफ़िकल्ट काम ये मोती वाला ही है, बट कोई बात नहीं, सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है जब आप अपना इतना अच्छे से पूरा बनाओ खुद से। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, बट इसका आफ्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगता है। एंड मैंने इसका कलर जो है वाइट और ब्लू इसलिए रखा है क्योंकि हमारे कान्हा जी की ड्रेस जो है वाइट ब्लू और पिंक में ही है, तो थोड़ा पिंक का ये टच आ रहा है इसमें ऑलरेडी, और वाइट और ब्लू। तो आप भी अपने गोटा पट्टी या कोई भी अपना अपने अकॉर्डिंग कलर उसको चूज़ आउट कर सकते हो। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप अपना मतलब यही सेम कलर चूज़ करो। एंड मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा हेल्प कर रही है मेरी। एक नेट मिल गई है रेड कलर की, तो हम पीछे इस नेट को भी अभी यूज़ करेंगे। कैसे करती हूँ पूरा देखो। गाइस तो मैंने इसमें ये लटकने ऐसे लटका दिए हैं, तो कैसा लग रहा है बताओ ज़रा। और अब मैं सोच रही हूँ ये वाली जो नेट है, अगर इसको थोड़ा पीछे की तरफ से लगाया जाए तो और अच्छा लुक आ जाएगा। तो चलो लगा के देखते हैं। लाला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूँ तेरो प्यार। लाला एक लाइक थोड़ी सी मेहनत के लिए तो बनता है, तो अगर अच्छा लगा है देन प्लीज डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत थक गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, फटाफट से तैयार होकर के फिर कुछ करना है सैलेब वगैरह से जो भी करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखना। तब तक के लिए बाय बाय।